सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है और 64 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 1 इंच के लगभग इसकी मोटाई होती है। एक ट्रे होती है, प्लास्टिक की ट्रे होती है लगभग। इस ट्रे में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मिट्टी को भर देते हैं। इसमें जो भी मिट्टी हम लोग भरते हैं उसको साफ करके रखते हैं, पूरा बारीक हम लोग छान लेते हैं। छानने के बाद स्टैंडर्ड बनी हुई है, इसको हम लोग लेबल कर लेते हैं। लेबल करने के बाद आती है बात सीड की डालने की। तो अगर सीड हम लोग सूखा डालते हैं, बिना जर्मिनेट वाला डालते हैं, तो लगभग एक ट्रे में 60 से लेकर 70 ग्राम का बीज आता है। लेकिन इसको हम लोग जर्मिनेट कर लेते हैं, उगा लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, इसको पानी में भिगो के एक पट्टे आते हैं, इस तरह के बोरे आते हैं जूट के, उन बोरों में हम लोग इस सीड को 24 से लेकर 36 घंटे तक हम लोग पानी में भिगो के इस तरह जब ये रखा जाता है, इस तरह का ये अंकुरित हो जाता है। बहुत सारे सीड क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। जब ये अंकुरित हो जाते हैं तो अंकुरित होने से ये फायदा होता है कि हमें लगभग 10 दिन का समय हमारा बच जाता है अंकुरित होने में। जो समय अंकुरित हो गए उसके बाद ट्रे हमारे पास तैयार है, मिट्टी को हमने छान लिया, कंपोस्ट खाद मिला लिया, कुछ रेत मिला ली। मिक्स करने के बाद इसमें जो आप लोग सीड डालना है, अगर हाथ से आप लोग डालते हो तो प्रॉपर तरीके से इस तरह से डालना है कि इसकी प्रॉपर डेंसिटी आए, ये कहीं खाली ना हो, कहीं भारी ना हो, कहीं खुला ना हो। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर सीड को डालते हैं। एक सीड में, एक ट्रे में लगभग 60 से लेकर 80 ग्राम तक का सीड आता है, ऐसे पूरा बारी। या अगर हम लोग हाथ से नहीं करना चाहते तो इसके लिए एक सेडर मशीन आती है, सेडर मशीन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग सीड को डाल सकते हैं। हमारे पास रखी हुई है शेडर मशीन, हम आपको बता देंगे, फ्रेम के ऊपर होता है। अब शेडर मशीन से हम लोग इसमें मिट्टी को भी भर सकते हैं और सीड को भी डाल सकते हैं। सीड इस तरह डालना है, पास आना नहीं है, सीड इस तरह डालना है कि इसके अंदर कहीं खाली ब्रेकअप जगह ना हो, डेंसिटी प्रॉपर तरीके से हो। डेंसिटी अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तो मशीन इसको छोड़ देगी, कहीं कहीं लेगी, कहीं कहीं नहीं लेगी। जब ये हम लोग सीड को डाल देते हैं उसके बाद इसमें मिट्टी को डालना है। मिट्टी डालने के लिए भी हम लोग या तो हाथ से उपयोग करते हैं या फिर मशीन का उपयोग करते हैं। हमारे पास मशीन है, हम अभी आपको बताते हैं। ये सभी चीज़ें डालने के बाद मिट्टी हम लोगों ने इसके ऊपर डाल दी प्रॉपर तरीके से एक लेयर में। अब इसमें हमको पानी डालना है, पानी डायरेक्ट हिट करके नहीं डालना, आपके जो जुहारे आते हैं, जो गमलों में पानी दिया जाता है उसके आपको डालना है। और इसको एक स्केल की सहायता से लेबल कर देना है ताकि ये ऊपर नीचे की तरफ। जब ये कंटिन्यू हो जाता है तो हमारे पास इस तरह का सेटअप बना हुआ है, ये देखिए, इसी का एक वर्जन हम लोगों ने रखा के रखा हुआ, ये भी एक हमारे पास है। और ये 12 से 15 दिन बाद हम लोग देखते हैं तो एक मैट बन जाता है। ये मैट कहलाता है। इस मैट को हम लोग कहीं से भी फोल्ड करके ले जा सकते हैं, आप इसको कहीं से भी ले जा सकते हैं। अभी कल पानी गिर गया इसलिए थोड़ा सा गीला है। ये 12 से 15 दिन का लगभग है और इसमें जो ऊंचाई होती है वो प्लांट की ऊंचाई इस तरह होनी चाहिए कि कम से कम 6 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई होना चाहिए अगर आप प्लांटर्स लगाना चाहते हैं। मैट की थिकनेस आप बराबर रखें, आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं, ये खराब नहीं है। आप इसको उठाएं, कहीं भी ले जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी के तरह हम लोगों ने इस तरह तैयार किया, ये देखिए पूरा यहाँ से वहाँ तक रखा हुआ है। आगे देखिए ये सभी अलग अलग, अभी हमारे पास ये 12 दिन की नर्सरी है हमारे, अभी प्लांटर से हम लोगों ने लगाना शुरू किया। एक एकड़ में लगभग अगर प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर रख रहे हैं और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अगर आप 16 सेंटीमीटर रख रहे हैं तो हम लोग लगभग 70 से 80 ट्रे हम लोग लगा लेंगे। ये देखो ये मैट बना, ये मैट बना हुआ। अब सपोज करिए ट्रे हमारे पास कम होती है तो उसके लिए हम लोग एक दूसरी विधि यूज करते हैं।
इसको पॉलिथिन के ऊपर तैयार करते हैं। एक मीटर लंबाई से हम लोग पॉलिथिन ले लेते हैं, चौड़ाई जो हो एक मीटर चौड़ाई से हम लोग पॉलिथिन ले लेते हैं और उसके बाद लंबाई जितनी हमको लेना है। अब जितना ट्रे का साइज होता है उस साइज का हम लोग क्या करते हैं, एक फ्रेम बनवा लेते हैं। ये फ्रेम है, इसकी जो चौड़ाई है वो 64 सेंटीमीटर है, लंबाई हम चाहे कितना भी रख सकते हैं। ठीक है, ये वो चाकू और स्क्रेपर देना उसी के लिए। ये देखिए ये शेडर मशीन है, ये फ्रेम के ऊपर है, नीचे पॉलिथिन है और हम लोग इस तरह से मिट्टी को इसके अंदर फिलअप कर देंगे। ये रोलर बने हुए हैं, ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब हम लोग इसको चलाते हैं तो ये रोल होता है, तो सेडर मशीन रोल होगा तो एक निश्चित क्वांटिटी में इसके ऊपर सीट को ये गिराएगा। सीट को गिराएगा तो हम चाहे तो कितनी भी तैयार कर सकते हैं। जब ये कम्प्लीट हो जाती है, पूरी कम्प्लीट हो जाती है, तो इसको चाकू से और इस स्क्रेपर की सहायता से हम लोगों को इसको काट सकते हैं। हमारे पास बनाया है, हम लोगों ने अभी पानी से ढक दिया क्योंकि कल पानी गिरा था। ये देखिए बीज जर्मिनेट होने लगे, वही आओ इस तरह की मैट बन जाती है। मैट को हम लोग चाकू की सहायता से और स्क्रेपर की सहायता से काट देते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि हमारे पास ट्रे ही हो, हम लोग इससे भी दे सकते हैं पूरा का पूरा। रोहित बताओ जरा इधर पूरा लंबा का लंबा। इधर बताओ इनका अंकल रोहित रोको उसको भाई। प्रोसेस हो जाती है तो फिर इस मशीन की सहायता से होता कि यह 6 रुपए ट्रांसप्लांटर की मशीन है। इस तरह की ट्रे हम लोग बना लेते हैं और ये देखिए ये मैट बनी हुई है, मैट को एक स्क्रेपर की सहायता से, ये हमारे पास एक स्क्रेपर, इस स्क्रेपर की सहायता से हम लोग इसके अंदर डालते हैं और ये पूरा कंप्लीट हो जाती है। और पीरे पीछे के पीछे वही दे रहा हूँ, इस तरह के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग रोहित रोको।